हेलो बच्चों, आज हम क्लास सिक्स के मैथ्स में आज हम जानेंगे चैप्टर थर्ड प्लेइंग विद नंबर्स, है ना। इसमें हम देखेंगे फैक्टर्स क्या होता है। फैक्टर कोई भी नंबर, ठीक है, आप देख सकते हैं नंबर 12 है ना। अगर इसे 1 से डिवाइड किया जाए, 2 से डिवाइड किया जाए, या 3 से डिवाइड किया जाए, या 4 से, या 6 से, या उसी नंबर से डिवाइड करेंगे 12 में, तो यहाँ पर कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, आप देख सकते हो अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 4 टाइम्स में लग जाएगा, मतलब रिमाइंडर क्या आया, आपका 0 आया। तो कह सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 6 and 12 क्या है, इस 12 का क्या है, फैक्टर है, है ना। फैक्टर वो कहलाते हैं जो दिए हुए नंबर को पूरी तरह डिवाइड कर दे, है ना, पूरी तरह रिमाइंडर क्या है, 0 आया। नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टी जो फैक्टर्स हम देखेंगे हम लोग, तो 1 क्या होता है, किसी भी नंबर का फैक्टर होता है। जैसे मैंने देखो यहाँ पर 1 को आप 7 से मल्टीप्लाई करो 7 आएगा, 7 को आप 1 से डिवाइड करो तो 7 ही आएगा। या यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 को 18 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 18 आ रहा है, 18 को 1 से किया जाएगा तो क्या आएगा, डिवाइड किया जाएगा 18 ही आएगा। मतलब 1 क्या है, आपका कॉमन फैक्टर हो जाएगा, यानी 1 क्या है, फैक्टर है दोनों का, है 7 का भी है और 18 का भी है, यानी 1 क्या है, फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, किसी भी नंबर का फैक्टर हो सकता है। फिर आप एवरी नॉन जीरो नंबर इज ए फैक्टर ऑफ 0, है ना, कोई भी अपन नॉन जीरो नंबर है, है ना, तो क्या है, फैक्टर हो सकता है 0 का, क्योंकि अगर आप 0 को डिवाइड कीजिएगा 7 से तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, या 19 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो आप कह सकते हैं कि 7, 19 क्या फैक्टर है, किसका, 0 का, क्योंकि आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। एवरी नॉन जीरो नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इट सेल्फ, आप देख सकते हैं 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, हाँ, यानी 13 क्या है, खुद ही फैक्टर है, किसका, खुद का, है ना, यानी 13 इज ए फैक्टर ऑफ इट सेल्फ। फोर्थ नंबर में क्या है, ए फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। आप देख रहे हैं 6 का मैंने फैक्टर निकाला है 2, 1, 2, 3, 6, तो आप देख सकते हैं 1 क्या है, 6 से छोटा ही है, 2 भी क्या है, 6 से छोटा ही है, है ना, या 3 क्या है, 6 से छोटा है, यानी जो भी, या फिर 6 क्या है, 6 से इक्वल है, यानी जो आपका फैक्टर जो आएगा वो गिवन नंबर से क्या होगा, छोटा हो सकता है या उसके इक्वल हो सकता है। यहाँ देख सकते हैं आप 6, 6 से इक्वल है ना, बाकी सब 1, 2, 3 जो क्या है, 6 से छोटा है। यहाँ 5 प्रॉपर्टी क्या आएगा, देयर आर फाइनाइट फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, है ना, यानी कोई नंबर के क्या फाइनाइट फैक्टर हो सकते हैं, निश्चित ही हो सकते हैं।